अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन डोनट्स। हम आपको इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं। ये हमने 250 ग्राम बोनलेस कीमा लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। और हमने एक स्मॉल साइज की प्याज ली थी उसे कद्दूकस कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। दो ग्रीन चिली ली थी हमने उसे मोटा मोटा काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। एक पोटेटो को हमने बॉइल करके कद्दूकस कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और एक मुट्ठी हमने सिया शिमला धनिया को डंडी समेत काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। हाफ टेबल स्पून में धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है हमने, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डाला है, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाला है और हाफ टेबल स्पून हमने रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है। अब इन सब चीजों को इसमें मिक्स करने के बाद इसे ग्राइंडर में घुमा लाते हैं, दिखाते हैं फिर आपको। हमने सही मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। अब हम एक अंडे की जर्दी डाल देंगे, व्हाइट योग इसमें ही रहने देंगे, एग योग डाल देंगे। इसे भी घुमा लाते हैं 40 से 35 सेकंड के लिए, दिखाते हैं फिर आपको। हमने इसे ग्राइंडर में डालकर 30 से 40 सेकंड के लिए घुमा लिया था। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने अपने चिकन को बाउल में निकाल के रख लिया है। हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, हमने एक अंडा जैसे फेंट लिया, थोड़ा धनिया डाल दिया और थोड़ा सा हमने ब्रेड क्रम लिया है। अब जो हमारा चिकन है उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून जितनी मैदा। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम उंगलियों पर थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाएंगे अपने हाथों पर और इसके जितने बड़े बड़े हम हमारे कोफ्ते बनाते हैं उतने बड़े बड़े बना लेंगे। हमने कोफ्ता बना रहे हाथों पर क्लीन कर लिया। अब हम इसे हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे, जिस तरह हम शामी को अब बनाते हैं उस तरह से, ज्यादा हम पतला नहीं रखेंगे। और हम एक बोतल का कैप ले लेंगे, उससे हम इसके बीच में ऐसे प्रेस कर देंगे तो हमारा डोनट बनकर तैयार हो जाएगा। हमें ऐसे ऐसे शामी को आप की तरह करना है और अपने फिंगर पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसे इस तरह अंदर डाल के एक बार घुमा देना है। इससे हमारा बिल्कुल डोनट का शेप आएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ढक्कन ना हो तो आप इस तरह कर लीजिए। अब दिखाते हैं आपको इन्हें फ्राई करते हुए। हमने सारे डोनट बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमने आपको दो प्रोसेस से डोनट बनाकर दिखाए हैं, एक तो हमने बोतल के कैप से बनाया है और एक हमने अपनी फिंगर से बनाया है। चलते हैं इसकी अब कोटिंग की तरफ। इसकी कोटिंग के लिए हम एक डोनट लेंगे, उसे अंडे में इस तरह डिप करेंगे, उसे अंडे में से निकाल लेंगे। अब इसे हम ब्रेड स्क्रम में डाल देंगे। ब्रेड स्क्रम हम सूखे हाथ से करेंगे वरना हमारा ब्रेड स्क्रम खराब हो जाएगा। हम इसे अच्छी तरीके से ब्रेड स्क्रम में कोट कर लेंगे। हमने इसे ब्रेड स्क्रम में कोटिंग कर ली, उसके बाद हम इसमें एक फिंगर ले लेंगे ताकि अपनी शेप में रहे। इसे रख लेते हैं प्लेट में। इसी तरह हम सारे डोनट्स की कोटिंग कर लेते हैं। हमने सारे डोनट्स की कोटिंग कर ली है। अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे रेस्ट होने के लिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। फ्रीज में रखने से इसकी कोटिंग इस पर अच्छी तरीके से चढ़ जाएगी, फिर ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। दिखाते हैं आपको 10 मिनट बाद। हमारे डोनट को रेस्ट करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। हमने एक फ्राई पैन में ऑयल चढ़ा दिया है, वो हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। हम इसे एक एक करके फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करेंगे। हमने एक बार में 3 ही डोनट फ्राई किए हैं। अभी हमने इसे डाला है तो हम इसमें अभी चम्मच भी नहीं मारेंगे, जब भी थोड़ा सीख जाएगा जब हम इसे टर्न करेंगे। सीखने देते हैं इसे मीडियम फ्लेम पर। इसे एक साइड सीखने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो हमारा सीख गया है तो हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से टर्न कर देंगे। अब देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा कलर आया है इसमें, इसे भी टर्न कर देंगे। इसे भी हमने टर्न कर दिया है। इस साइड से भी सेक लेते हैं इन्हें 2 से 2.5 मिनट के लिए। हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बीच में कैसे बबल्स आ रहे हैं। हम इसे इस तरह ही मीडियम फ्लेम पर सेकने देंगे। अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे तो ये बाहर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे निकलेंगे। सेक लेते हैं इन्हें अच्छी तरीके से, दिखाते हैं आपको। ये हमारे सिककर तैयार है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तेल निकाल लेते हैं। हम इसे
किचन टॉवल पेपर पर रख देंगे, उसे 2 से 4 मिनट के लिए बाहर ही रहने देंगे, जिससे थोड़े ये और क्रिस्प हो जाएंगे। कर लेते हैं डिश आउट, दिखाते हैं आपको। हमारे चिकन डोनट बनकर तैयार है, हमने फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व किया है। आप भी रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने मैकडोनल्ड्स चैन फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व की हैं। अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसकी रेसिपी अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।